नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कल यानी कि बुधवार को जो बैठक किया था, ठीक है, सीबी पालीवाल जी की अध्यक्षता में, उन्होंने सदस्यों के साथ बैठक करके मैं बोला था कि कुछ निर्णय लेने वाले हैं जिसमें से वो कुछ वैकेंसियाँ निकाल सकते हैं। जी हाँ, ठीक वैसा ही हुआ जैसे कि मैंने बोला था कल, और आज देखिए उन्होंने वैकेंसी निकाल दिया है। इसमें 1953 पदों की जो वैकेंसी निकाली गई है, मतलब, और इसका ये है इस महीने के लास्ट तक विज्ञप्ति भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने वीडियो में की कहा, एकदम फोर्सेस होकर कहा भी था, ठीक है, और मेरी बात सही निकली है। और मैं आपको इस वीडियो पर और ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा किस विभाग में कितना वैकेंसी निकली है और कब आवेदन होगा, और जो चीज़ें इसमें छूट रही हैं, ठीक है, किस पद के लिए है उसको मैं बताऊँगा। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बगल नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त होती रहे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं वीडियो और शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कल के डेट में बताया हुआ था कि सीबी मालीवाल जी की अध्यक्षता में एक अहम फैसला लिया जा सकता है जिसमें कुछ रिक्तियाँ जो हैं भर्ती उसको पूरे की जाएंगी, और इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 1953 पदों के लिए भर्तियाँ निकाली हुई है, ठीक है। तो उसमें से जो भर्तियों में से इस माह के अंत तक विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। इसमें जो भर्ती के लिए पोस्टें हैं वो हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए और वीडियो के लिए और पर्यवेक्षक के लिए, ठीक है। और क्यों किसमें कितने पोस्टें हैं मैं उसको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पाएंगे कि ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो है सबसे ज़्यादा पोस्टें दी गई हैं, उसमें करीब करीब 1527 पोस्टें केवल ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए दी गई है। और सेकेंड नंबर पर जो दिया है समाज कल्याण विभाग के ग्राम विकास अधिकारी के लिए इन्होंने दिया है पद, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो समाज कल्याण में दिया है, मतलब वीडियो के लिए, वह है 362 पद के करीब, ठीक है, 362 के करीब ये वीडियो का है, ठीक है। और उसके बाद इसी विभाग में पर्यवेक्षक के तौर पर 64 पदों पर भर्ती कराई जानी है, और जिसका विज्ञापन आप एक आध हफ्ते का वेट कर लीजिए, 5-10 दिन का, और जल्दी यह निकाला जाएगा, ठीक है। और जैसे कि सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि यह परीक्षा, ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा कराने का इसका विचार किया जा रहा है, और जल्द ही इसका सॉफ्टवेयर भी तैयार करवा लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन परीक्षा कराने की, लेकिन इसमें यह भी कहा जाता है कि इसका ऑप्शन ऑफलाइन का भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यह परीक्षा हो सकता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दिया जाएगा, यह आपके ऊपर चॉइस रहेगी। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन एग्ज़ाम दीजिए, अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं रहेगी, आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं एग्ज़ाम, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। तो जैसा कि अब मैंने आपको इस विज्ञप्ति में भी बता दिया है, ठीक, इसकी और पिछले वाले मैंने वीडियो में आपको बता दिया था कि वैकेंसी आने वाली है। तो यह जो वैकेंसी है, अभी इससे पहले जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उन्होंने एक व्यायाम प्रशिक्षक और क्षेत्रीय व कल्याण प्रादेशिक विकास दल का भी 694 पोस्ट पर आवेदन ले लिए हैं। तो इन्होंने एक प्रक्रिया बना रखी है कि जैसे कि एक जैसे जो पाठ्यक्रम वाली भर्तियाँ हैं उनको एक साथ निकालने का फैसला किए हैं कि जितने एक ही पाठ्यक्रम वाली वैकेंसी हैं उसको एक साथ निकाल के भर्ती और उस पर हम भर्ती कराएं, ये आयोग की सोच है। तो हालांकि अब देखिए अभी तो 2-3 भर्ती ही आई हैं, अब आगे कौन सी वैकेंसी आती है मैं उस पर आपको फोकस करूँगा, लेकिन अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।